ये देखिए गाइस, ये डीकम्प्रेशर काम कैसे करता है, ये देखिए, ये देख रहे छोड़ते सारी वापसी जा रहा है, पहले जा नहीं रहा था बिल्कुल ही। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास आई है फिर से एक बुलेट नई आवाज के साथ, जो स्लो की जब गाड़ी आपकी ठंडी होती है तो आवाज़ करती है ना टिक 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 की, तो उसकी आवाज़ के बारे में मिलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस चीज़ की आवाज़ है वो। ओके सो गाइस, ये देखिए गाड़ी खड़ी है और इसको एक बार स्टार्ट करके भी चेक कराते हैं आपको कि इसकी आवाज़ किस चीज़ की है। स्टार्ट करना थोड़ा सा एक बार, देख रहे हैं आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। देख रहे हैं आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, देख रहे हैं टिक 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 की जो आवाज़ आ रही है। देख रहे हैं कैसी आवाज़ आ रही है, तो आपको चेक कराते हैं इसका चैम्बर खोलते हुए कि किस चीज़ की आवाज़ है ये। तो चलिए खोलना चालू करते हैं इसका चैम्बर। खाली ये मैग्नेट हमने बाहर निकालना है, तो जो आवाज़ आती है ना उसकी, उसी की समस्या की ये खाली हमने कुछ नहीं करना, ये अंदर से प्लेट खोलनी है। तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि टिक 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 की आवाज़ क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्या चीज़ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छोटी सी प्रॉब्लम, पर समस्या का जो समाधान है जो मिल जाए ना टाइम पर वही बढ़िया रहता है। इस समस्या का समाधान हमें मिल गया है कि आवाज़ छोटी सी है, खोल ही रहे हम ज़्यादातर। तो अधिकतर हमें कमेंट में आते रहते हैं कि अभी लोग ऐसी आवाज़ से परेशान है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो चलिए पहले खोलते हैं मैग्नेट, फिर आपको बताते हैं क्या पोजीशन है इसकी, आपको निकाल के चेक कराते हैं कि कैसे कैसे होते हैं ये पिच। ये देखिए, और दूसरा खोलते हैं, मपवाते हैं आपको कि कैसे हैं पेच ये। ये देखिए, आप खुद ही चेक कर लीजिए, दो पेज इसके बड़े हैं ये वाले और एक पेज छोटा होता है। तो चलिए प्लेट हमारी खुल गई है, तो उसको हम फिलहाल टॉप पे करेंगे और शिम इसके अंदर जो है एक ही है, इसको टॉप पे करना जरा एक बार। टॉप पे करना ज़रूरी होता है, तभी आपको बताएंगे कि आवाज़ किस चीज़ की है। करना ज़रा सही बार टॉप पे,
इसकी आवाज़ जो हमने चेक करानी थी क्या था, वो ये डीकंप्रेशर की आवाज़ है, टिक 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 की जो आवाज़ करता है डीकंप्रेशर। ये देखिए ये डीकंप्रेशर, अब पहले ना ऊपर होता था, ये पहले यहाँ पे लगा था साइड में डीकंप्रेशर, प्रेशर काटने के लिए जो इसके हेड का जो प्रेशर होता है ना कटता है, तो इसके हेड के अंदर लगा होता था डीकंप्रेशर, कि हम जब गाड़ी किक मारते हो बैक मारती ना तो इसके हेड के अंदर लगा होता था पहले। तो अभी इन्होंने सीधा के सीधा इसे यहाँ पे दे दिया टाइमिंग गरारी के अंदर, तो ये आवाज़ कर रही है क्योंकि ये इसकी जो स्प्रिंग वगैरह होती है ये टूट गई है, तो इसलिए इसकी आवाज़ आ रही है। तो हम इसको खोलते हैं तो देखते हैं क्या स्प्रिंग टूटा है कि इसकी ये पिन कट गई है। तो एक बार इसको खोलना ज़रा बाहर, तो कितने कितने सिस्टम इन्होंने यूसी इंजन के अंदर चेंज करे हैं, तो ये आपको दिख ही रहा है कि ऊपर कहाँ डीकंप्रेशर ऊपर होता था, अब ये नीचे दे दिया इन्होंने सीधा की सीधा इसके अंदर। तो हम इसका क्या डालेंगे डीकंप्रेशर का, तो सुनेंगे हम ये इसका पिन वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार क्या है इसकी। तो पिन वगैरह फ़िलहाल हमें ठीक लग रही है इसकी, और ये भी ठीक है। हम डालेंगे इसका स्प्रिंग, स्प्रिंग इसका ख़राब हो गया, तो स्प्रिंग इसका जो है ना सॉफ्ट हो गया, इसलिए ये लूज रहता था, तो इसलिए स्लो में आवाज़ करता किट 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 की, तो स्लो में यही आवाज़ कर रहा था। तो हम दूसरा स्प्रिंग डाल के इसे फिट करते हैं इसको। ये रहा न्यू स्प्रिंग, ये देखिए बिल्कुल इसकी हालत और इसकी हालत में कितना फ़र्क है, ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए दोनों की हालत में कितना फ़र्क है क्या नहीं है। तो हम ये स्प्रिंग तो होगा हमारा बेकार, जो उसको फेंक देंगे और ये स्प्रिंग लगाएंगे नया, ठीक है। तो उसके अंदर लगाते हैं, फिट करते हैं इसको जल्दी जल्दी, से ऐसे लग जाएगा। इधर करना, और ये रही इसकी पिन, एक बार लगे हाथ ना पिन भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर, पिन तो कटी तो नहीं हुई है, अगर पिन कटी हो तो भी दिक्कत आती है। नोक प्लास देना ज़रा, ये रहा इसका नोक पिन, इसकी पिन तो फ़िलहाल ठीक है, पिन में कोई इशू नहीं है, पर इसका जो प्रेशर है, तो जब पिन ऐसे यदि यहाँ पे ऐसा रहता ना ये, तो तब इसका प्रेशर करता। तो मैं दूसरी गाड़ी गरारी को लेकर ना फिर से बताऊँगा आपको कि कैसे होता है। ये देखिए ये रही दूसरी गरारी टाइमिंग की, तो इसका प्रेशर कब पड़ता है मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको हमने लगा दिया, तो ये बिल्कुल ना देखिए बिल्कुल टैपर हुआ था यहाँ पर, ये प्रेशर कट गया, और जब ये आउट हुआ था ना बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर इसका समझ लो कि कटता नहीं है, ये तो टूट गया ना यहाँ से। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं फिलहाल, तो जो हमें प्रेशर की आवाज़ लग रही है इसके अंदर, ये हमने लगा दी पिन इसकी यहाँ पे, ठीक है, और ये लगा दिया इसका सिस्टम पूरा, पिन पेच कर देना ज़रा, काम कैसे करता है ये देखिए, ये देख रहे छोड़ते सारी वापसी जा रहा है, पहले जा नहीं रहा था बिल्कुल ही ढीला पड़ा हुआ था ये, तो इसका क्या था ख़राब स्प्रिंग, अब देख रहे ना बिल्कुल एक ओके काम कर रहा, ठीक है। तो चलिए गए हमारा काम एकदम ओके हो गया, फिट करते हैं फटाफट फिर आपको दिखाते हैं इसको फटाफट करके फिट, ठीक है, फटाफट करते हैं इसे ओके को पैक करते हैं। We'll be right back.
देखिए बुलेट हमारी पूरी पैक हो चुकी है, तो जिसके अंदर किट किट की आवाज़ थी वो तो आपको बताया था इसकी थी, जो यहाँ पे कंप्रेसर और डीकंप्रेसर जो कहते हैं इसको, हेड का जो प्रेशर काटने के लिए होता है उसका डीकंप्रेसर का जो नीचे लगा होता है उसकी आवाज़ थी वो। तो एक बार आपको स्टार्ट करके चेक करा दें, उसकी आवाज़ बंद हुई कि नहीं हुई है। देखिए कोई आवाज़ आ रही है इसमें टक 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 की, बिल्कुल ठंडी गाड़ी है ये। देखिए सिलेंसर ही पूरा, मतलब समझ लो कि सिलेंसर तो यही गर्म आता, ये देखिए पूरी ठंडी गाड़ी है, ऐसे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। ठंडी गाड़ी में जो आ रही है टक 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 की बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही एकदम ओके हो चुकी है। तो आवाज़ तो छोटी सी थी, और प्रॉब्लम क्या डलना क्या था, एक स्प्रिंग की वजह से दिक्कत आ रही थी, और कुछ नहीं था इसके अंदर। आपने देखा जो हमने बुलेट की आवाज़ बंद करी है टिक टिक की, जो टिक टिक की आवाज़ आती है ये देखिए ये खड़ी हमारे पास बुलेट, तो जिसकी हमने टिक टिक की आवाज़ बंद करी है उसकी की थी डीकंप्रेशर की आवाज़ थी, तो डीकंप्रेशर जो उसके नीचे गरारी में लगा था उसकी आवाज़ थी इसकी, और कोई आवाज़ नहीं। क्या था, एक छोटा सा स्प्रिंग ही था इसके अंदर, और कुछ नहीं था इसके अंदर। तो चलिए गाइस, ओके बाय।